बेटा ये जो बाहर तू कपड़े पहन के घूम रही है ना फैशन के नाम पे, तो सुधर जा बेटा वरना मैं सुधार दूंगा। तेरे बाप की चड्डी पहन रही हूँ, अपनी चड्डी अपने अच्छा अपना सब तुझे तुम्हारा क्या जा रहा है। उर्फी जावेद अपने कपड़ों और फैशन सेंस के चलते अक्सर सुर्खियों में बनी रहती है। एक के बाद एक रिवीलिंग आउटफिट में उर्फी को अक्सर देखा जाता है। इंस्टाग्राम पर उनकी वीडियोस छाई रहती हैं, लेकिन अपने लुक्स के चलते उन्हें मुश्किलों का भी सामना करना पड़ता है। अब बिग बॉस में नजर आ चुकी हिंदुस्तानी भाऊ ने उर्फी जावेद को धमकी दे डाली है। हिंदुस्तानी भाऊ ने एक वीडियो जारी किया है, इसमें भाऊ उर्फी जावेद से कहते हुए नजर आ रहे हैं कि तू जो ये कपड़े पहनकर बाहर घूम रही है इसका बहुत गलत असर पड़ रहा है, ये सब बंद कर दे वरना मैं तुझे ठीक कर दूंगा। इस वीडियो को खुद उर्फी जावेद ने इंस्टाग्राम पर शेयर कर अपना गुस्सा जाहिर किया है। साथ ही उन्होंने हिंदुस्तानी भाऊ को दो गला भी कहा है। उर्फी ने कहा कि हिंदुस्तानी भाऊ की टीम ने पहले उन्हें एक मामले में मदद की ऑफर की थी, लेकिन उर्फी के उनकी मदद ठुकराने के बाद वो एक्ट्रेस के पीछे ही पड़ गए हैं। आप हमारे इस वीडियो के जरिए उर्फी जावेद के द्वारा लिखी गई ये धमकी अभी देख सकते हैं जो कि उन्हें हिंदुस्तानी भाऊ ने दी है, और उसके बाद उर्फी जावेद ने अपना पलटवार किया है। बता दें कि उर्फी जावेद ने इस वीडियो को शेयर करते हुए हिंदुस्तानी भाऊ पर निशाना साधा है। एक्ट्रेस ने एक लंबा नोट लिखा है जिसमें लिखा है, आप गाली देते हो तो वो इंडिया का रिवाज है, आपकी गालियों ने कितनों को सुधारा है, अब आप मुझे खुलेआम धमकी दे रही हैं, पता है ना मैं आपको जेल की हवा खिला सकती हूँ, लेकिन एक मिनट आप तो कई बार वहाँ जा चुके हो, ये तो कितना अच्छा मैसेज है यूथ के लिए, जेल जाना अपने से आधी उम्र की लड़की को धमकी देना। और फिर ने आगे लिखा कि हिंदुस्तानी भाऊ उनसे प्रमोशन करवाना चाहते थे लेकिन इसके लिए एक्ट्रेस ने मना कर दिया। और फिर ने कहा कि उस दौरान भी उन्होंने ऐसे ही कपड़े पहने हुए थे। और फिर ने अपनी एक इंस्टा स्टोरी पर ये भी बताया कि सोशल मीडिया पर होने वाली ट्रोलिंग से उनके मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ा है। उन्होंने कहा कि वो बहुत डरी हुई नहीं है लेकिन अपनी सुरक्षा को लेकर जरूर परेशान रहती हैं। इसके आगे उन्होंने कुछ स्क्रीनशॉट्स भी शेयर किए, इन्हें पढ़कर पता चलता है कि वो किसी से बात कर रही थी और सामने से उन्हें कहा जा रहा है कि हिंदुस्तानी भाव उनके साथ काम करना चाहते हैं। और फिर जावेद ने लिखा, दोस्तों मुझ पर भरोसा करें, मैं जो पहनती हूं उन्हें उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है, वो केवल पब्लिसिटी चाहते हैं। ईमानदारी से कहूं तो इंटरनेट पर हर कोई मुझे मारने की धमकी दे रहा है, मुझे मानसिक तौर पर परेशान किया जा रहा है, सोचिए हर रोज कोई आपके खिलाफ वीडियो पोस्ट कर रहा है और पीटने की धमकी दे रहा है, और वो भी इसलिए कि मैंने क्या पहना है। और आपको बता दें कि उर्फी जावेद ने आखिर में ये भी साफ कर दिया कि उनका जो मन होगा वो वही पहनेंगी। वेल दोस्तों, इस उर्फी जावेद और हिंदुस्तानी भाव के बीच में हुई इस बात पर आपका क्या कहना है, आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं।